एमएम वली का कोरोना सेंटर अहम रोल अदा कर रहा है। मुंब्रा में काफी कम हुए कोरोना के मरीज। हारेगा कोरोना, जीतेगा मुंब्रा। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हारेगा कोरोना, जीतेगा मुंब्रा। जी हां, अब ये बिल्कुल सच साबित हो रहा है। मुंब्रा शहर में आज यानी 13 जुलाई को सिर्फ 7 कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं 12 जुलाई को सिर्फ 2 कोरोना मरीज मिले थे। जिस तरह से कोरोना संक्रमण मुंब्रा में कम हुआ है, इसका सीधा श्रेय मुंब्रा की जनता को जाता है। वहीं मुंब्रा शहर में कोरोना मरीजों की कमी होने का कारण मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम है, जहां एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज हम बात करें अगर मुंब्रा शहर को छोड़कर कि 13 जुलाई को कोरोना के मरीज कहां कितने मिले हैं, तो सुनिए। माझीवाड़ा में 71, वर्तक नगर में 40, लोकमान्य नगर में 28, नौपाड़ा कोपरी में 65, उथलसर प्रभाग समिति में 31, वागले प्रभाग समिति में 16, कलवा प्रभाग समिति में 53 और दीवा प्रभाग समिति में 22 कोरोना मरीज मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं मुंब्रा में कोरोना हार रहा है और मुंब्रा शहर जीत रहा है। एमएम वली स्टेडियम में भी बनाया गया कोरोना सेंटर मुंब्रा शहर के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको बता दें कि एमएम वली स्टेडियम में जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीजों का सेंटर बनाया गया है, इसमें सिर्फ मुंब्रा शहर के ही नहीं बल्कि दीवा, ठाणे या और अन्य जगहों के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। और कई लोग इस कोरोना सेंटर से ठीक होकर हंसते मुस्कुराते अपने घर भी लौट गए हैं। इस कोरोना सेंटर में सबसे अहम और ज़रूरत की चीज़ ऑक्सीजन है, जो यहाँ उपलब्ध है और एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना काल में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आवाट ने इस कोरोना सेंटर की ठाणे महानगर पालिका से मांग की थी, जिसके बाद ये कोरोना सेंटर बनाया गया, जिसमें अहम रोल कलवा मुंब्रा के एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान ने भी निभाया और आज ये कोरोना सेंटर शहर में अहम रोल अदा कर रहा है। यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों की डॉक्टर से लेकर खाने पीने की बेहतरीन सुविधा है और डॉक्टर मुमताज शाह और उनकी पूरी टीम यहाँ पर देख रेख करती है। सबसे पहले तो मैं टीएमसी का, उन ऑफिसरों का और थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ये कोविड केयर सेंटर है, मैं उन तमाम लोगों का और मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये सेंटर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ अभी तक जो है टोटल पेशेंट जो आए हैं 225 पेशेंट आए हैं और जो इस वक्त एक्टिव पेशेंट यहाँ 91 और अभी तक जो डिस्चार्ज हुए हैं 150 पेशेंट यहाँ से अच्छे होकर डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। दूसरी सबसे खास बात है कि यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। उसके अलावा भी मुंब्रा कौसा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो डेली जो रिपोर्ट आती है उनकी, जो कोविड की रिपोर्ट आती है जो पॉजिटिव होते हैं, उसमें से जितने भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहते हैं जिनकी सिचुएशन उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं रहती और जिनको वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, कालसेकर से आते हैं, बिलावल हॉस्पिटल से आते हैं और 3 रीजनल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर हैं मुंब्रा के, कौसा के और सिलपाटा से। तो इस तरीके से पूरी एरिया से यहाँ पेशेंट आते हैं और अभी ये सिचुएशन है कि मुंब्रा में अल्लाह का शुक्र है कि मुंब्रा में पेशेंट, मुंब्रा से पेशेंट कम हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे बड़ा रोल तो डॉक्टरों का है और आवाज़ साहब का है, क्योंकि आवाज़ साहब की कोशिशों से आज ये इतना बड़ा सेंटर यहाँ पे मुंब्रा में शुरू हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना पेशेंट एकदम मतलब कम से कम होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा रोल हमारे ये जो डॉक्टर शाह साहब का है जो ये सेंटर को संभालते हैं, चेयरमैन डॉक्टर है, जोया है, ये सब पूरा टीम जो स्टाफ जो है यहाँ का, ये जो है पेशेंट को लोग मिलने से कतराते हैं इस माहौल में, वहाँ पर आज ये लोग दिल से उस पेशेंट के करीब जाकर उनकी जो खिदमत कर रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ पे जो पेशेंट लोगों को सबसे अहम बात है कि ऑक्सीजन, खुली हवा जो मिल रही है उससे पेशेंट एकदम रिलीफ होके और अच्छे होके जा रहे हैं, आपने देखा ही है।